दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति हो या समाज नीति, यानी कि राज की बातें हो और या फिर किसी और कार्य क्षेत्र की, सभी के अंदर एक बात चला करती है और वो बात हुआ करती है भ्रांतियों की, कही जाती है या ये कहा जाता है कि इसके पीछे शकुन और अपशकुन की बातें हैं या लोकोक्तियां और कहावतें हुआ करती हैं। ये तमाम बातें चलती हैं और या इसके अलावा एक बात चल पड़ती है कि ये टोटके टोने इस टाइप की बातें हुआ करती हैं। राजनीति के अंदर भी उनका बराबर का महत्व हुआ करता है। अगर आप देखें तो हरियाणा की बात अगर कर लें तो हरियाणा का खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय एक ऐसा विभाग है जिसके लिए कहा जाता है कि जिनके पास ये वाला मंत्रालय रहा वो अगला चुनाव आसानी से नहीं जीतते। कुछ ऐसी भ्रांति वित्त मंत्रालय को लेकर भी है कि वित्त मंत्रालय मिनिस्टर फाइनेंस जो रहा करते हैं हरियाणा के अंदर, वो कम से कम अगले चुनाव में उनको दिक्कत आती है। कुछ चंडीगढ़ के अंदर ऐसी कोठियां हैं, मंत्रियों को जो अलाट हुआ करती हैं, उन कोठियों के बारे में कहा जाता है कि जिनको वो कोठी अलाट हो गई वो फिर से विधानसभा में नहीं गया या वो अगला चुनाव जीतने में सक्षम नहीं हो पाया। और इन तमाम को लेकर के, इन भ्रांतियों को, अपशकुनों को दूर करने के लिए तमाम प्रकार के पूजा पाठ भी हुआ करते हैं। आज आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी ताजा हरियाणा सरकार बनी है। 17 तारीख को हरियाणा का मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ, 8 तारीख को चुनाव परिणाम आए थे और फिर नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए। हरियाणा के अंदर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। 13 वजीर और 14वें मुख्य वजीर, यानी कि मुख्यमंत्री और 13 मंत्रियों के साथ में सरकार लगातार काम कर रही है। पोर्टफोलियो सभी मंत्रियों के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। हरियाणा का जो वित्त मंत्रालय है, खजाना मिनिस्ट्री, वो इस बार खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। खुद नायब सिंह सैनी हरियाणा के वित्त मंत्रालय के कामकाज को संभाले हुए हैं, यानी कि जो मंत्रालयों का आवंटन हुआ उसके अंदर मिनिस्टर फाइनेंस हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। मिनिस्टर होम भी वही हैं, इसके अलावा और भी उनके पास 13-14 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ये राज्य के बड़े मंत्रालय हुआ करते हैं और वित्त मंत्रालय नायब सिंह सैनी के पास है। जो मैं आपको बता रहा था कि भ्रांतियां या जो बातें कहावतें हुआ करती हैं वो हरियाणा के अंदर वित्त मंत्रालय को लेकर के भी हैं। कहा जाता है कि जो हरियाणा का वित्त मंत्री हुआ वो अगला विधानसभा चुनाव या तो लड़ा नहीं और लड़ा तो फिर जीत नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि जो वित्त मंत्रालय जिनके पास रहा वो राज्य की राजनीति से अगले चुनाव में दूर हो गए। ये भ्रांति है और या फिर इसके पीछे कोई तथ्य है। हालांकि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा हम नहीं देते और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सारी बातें हुआ करती हैं जिनके पीछे घटनाक्रम चलते हैं, जिनके बाद में बातें कही जाती हैं, की जाती हैं। आप यूपी का उदाहरण देंगे, उत्तर प्रदेश का, एक अवधारणा थी उत्तर प्रदेश को लेकर के कि नोएडा में जो मुख्यमंत्री गया फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहा और इस अवधारणा को तोड़ दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वो कई बार अपने पहले कार्यकाल में नोएडा गए भी और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने। और कुछ इसी प्रकार की मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा की, और मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के वित्त मंत्रालय को लेकर। मैंने आपको बताया कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के वित्त मंत्री हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, और कहा यह जाता है कि हरियाणा का जो वित्त मंत्री हुआ, जो मैंने आपको बताया, वो अगला विधानसभा चुनाव या लड़ नहीं पाया और लड़ा तो फिर जीत नहीं पाया, और जीत भी गया, अगर पहली बात तो ऐसा कोई मौका रहा नहीं, लेकिन अगर जीत भी गया तो फिर वो सरकार में आने का मौका उनको नहीं मिला, सरकार नहीं आई, सत्ता नहीं मिली। अगर हरियाणा के वित्त मंत्रियों की बात करें तो जो हमारे नए दर्शक हैं या जो नई पीढ़ी के दर्शक हैं उन सहित लेकर के, और तमाम जो हमारे अनुभवी दर्शक हैं जो जानते हैं सबको सारी बातों को, तो मैं आपको बताता चलूं 1987 से लेकर के और 2024 तक जो हरियाणा के वित्त मंत्री हुए और अगले चुनाव में उनका क्या हुआ। 1987 की सरकार, जो पहले चौधरी देवीलाल की सरकार थी और बाद में ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुए हरियाणा की, उस सरकार के अंदर हरियाणा के वित्त मंत्री हुआ करते थे बाबू हीरानंद आर्य। हीरानंद आर्य 1991 का चुनाव लड़े और उस चुनाव को वो हार गए, वो चुनाव नहीं जीत पाए 1991 का। 1991 में हरियाणा के अंदर सरकार भी बदल गई। 1987 से 91 तक चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की लोकदल की सरकार बनी, तो फिर 1991 के अंदर हरियाणा में सरकार बन गई कांग्रेस की और मुखिया हुए चौधरी भजनलाल। 1991 की सरकार के अंदर चौधरी भजनलाल के साथ वित्त मंत्री हुआ करते थे मांगेराम गुप्ता, वो वित्त मंत्री हुए लेकिन वो अगला चुनाव नहीं जीत पाए, अगला चुनाव हार गए।
उसके बाद में 1991 के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ 1996 में, और 1996 में हरियाणा में सरकार बनी चौधरी बंसीलाल की, हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी गठबंधन की, और उस सरकार के अंदर वित्त मंत्री हुए सेठ किशन दास, रोहतक के विधायक। सेठ किशन दास वित्त मंत्री बने और 2000 में जब चुनाव हुआ तो फिर सेठ किशन दास चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि आजकल सेठ किशन दास के बेटे रोहतक के मेयर हैं, नगर निगम के महापौर, लेकिन 1996 में वित्त मंत्री रहे और 1996 से 2000 तक, 2000 में सरकार में जब चुनाव हुआ तो फिर चुनाव नहीं जीत पाए सेठ किशन दास। अगर अगली बात करें तो फिर 2000 का सन आया, 2000 के अंदर हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सरकार बनी इंडियन नेशनल लोकदल की, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुए। ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिनिस्टर फाइनेंस थे, वित्त मंत्री बने प्रोफेसर संपत सिंह। प्रोफेसर संपत सिंह 2000 से 2005 तक वित्त मंत्री तो रहे लेकिन उसके बाद चुनाव नहीं जीते। 2009, 2014, 2019, 2024 कभी टिकट नहीं मिला और कभी चुनाव नहीं जीते। संपत सिंह के साथ भी यही हुआ, वित्त मंत्रालय जब रह गया उनके पास में। उससे पहले आपको ध्यान दिला दूं कि 1987 से 91 चौधरी देवीलाल की सरकार थी, प्रोफेसर संपत सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, और जो 2000 से 2005 की सरकार बनी उसके अंदर वित्त मंत्री हुए और उसके बाद में राजनीति से लगभग उनको जो मिलना चाहिए था, चुनाव जीतना सबसे बड़ी बात होती है, वो नहीं जीत पाए। अगर 2005 के चुनाव में बात करें तो फिर 2005 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार आई और मिनिस्टर फाइनेंस बने, वित्त मंत्री हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खां, उचाना से विधायक बने। उचाना विधानसभा क्षेत्र की कहानी बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खां वित्त मंत्री बने 2005 में, 2009 तक सरकार चली, चुनाव हुआ, चुनाव मैदान में चौधरी बीरेंद्र सिंह बतौर वित्त मंत्री गए थे लेकिन उचाना से विधानसभा का चुनाव हार गए 2009 में ओम प्रकाश चौटाला से। ओम प्रकाश चौटाला चुनाव जीत गए और वीरेंद्र सिंह चुनाव हार गए। 2014 का समय आ गया, पहली बात भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर अपने बूते पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ सत्ता में आई 2014 में, और 2014 के अंदर नारनौंद के विधायक थे कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु को बनाया गया वित्त मंत्री सरकार में, मिनिस्टर फाइनेंस और मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन उनके पास हुआ करता था। 2014 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, वित्त मंत्री रहते हुए चुनाव मैदान में गए कैप्टन अभिमन्यु, चुनाव हार गए विधायक का 2019 में, अब 2024 में भी हार गए। तो 2014 में कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे, चुनाव मैदान में गए, चुनाव नहीं जीत पाए। 2019 में फिर सरकार बीजेपी की आई, बीजेपी मनोहर पार्ट टू, और पार्ट टू की सरकार के अंदर मनोहर लाल खुद बने वित्त मंत्री, लेकिन सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। सरकार बीजेपी की रही, चेहरा बदल गया, मनोहर लाल के स्थान पर आ गए नायब सिंह सैनी, और मनोहर लाल को चुनाव का टिकट मिल गया लोकसभा का, हालांकि प्रमोशन हो गई लेकिन सूबे की सियासत से विदाई भी हो गई। हालांकि मैं किसी विदाई को परमानेंट नहीं मानता, खासकर मनोहर लाल हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता कहा करते हैं कि भाजपा में दायित्व दिए जाते हैं, तो उनका दायित्व तो बड़ा हुआ लेकिन हरियाणा का दायित्व तो उनके हाथ से चला गया। मनोहर पार्ट टू की सरकार जब उनके बदले में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हुए 12 मार्च 2024 को, तो फिर नायब सिंह सैनी सरकार के अंदर वित्त मंत्री बने जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल, भिवानी जिले की विधानसभा सीट लोहारू, लोहारू से विधायक हुए थे जेपी दलाल, और जेपी दलाल वित्त मंत्री बने लेकिन जब चुनाव मैदान में गए तो बहुत छोटे अंतर से चुनाव हार गए, फरेटिया चुनाव जीत गए। भिवानी जिले की आप मान लें 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और अकेले वित्त मंत्री साहब, मिनिस्टर फाइनेंस साहब, जेपी दलाल खुद चुनाव हार गए। अब इस सरकार के अंदर जो 2024 में सरकार बनी है, नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री का कामकाज संभाल रहे हैं। लोगों के अंदर चर्चाएं हैं, लोग चर्चा करना शुरू कर चुके हैं कि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के वित्त मंत्री हुए हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी मुकद्दर के सिकंदर माने जा सकते हैं। नायब सिंह सैनी का आप देख सकते हैं जो पॉलिटिकल उनका उठाव है, आरएसएस, एबीवीपी और उसके बाद में बीजेपी के अंदर आना, भारतीय जनता पार्टी में आके 2009 का विधानसभा चुनाव लड़ना, चुनाव हार जाना, उसके बाद भी मेनस्ट्रीम में रहना, 2014 का चुनाव, 2014 में विधायक बन जाना, विधायक बन के मंत्री बन जाना, फिर सांसद बन जाना, लोकसभा का चुनाव जीत जाना,
सांसद का दायित्व चलते हुए ही प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलना और सांसद का दायित्व पूरा नहीं हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाना, फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ 2024 का, तीसरी बार हरियाणा में भाजपा का सरकार बनना। इसलिए मैं आपसे मैंने कहा कि नायब सिंह सैनी मुकद्दर के सिकंदर तो हैं, लेकिन क्या हरियाणा के अंदर वित्त मंत्री और चुनाव को लेकर के और पॉलिटिक्स को लेकर के जो मिथक है, जो अवधारणाएं हैं, क्या उनको नायब सैनी तोड़ पाएंगे? क्या बतौर वित्त मंत्री और बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे? क्या जब 2029 में फिर चुनाव मैदान में जाएंगे और वित्त मंत्री ही अगर होंगे नायब सिंह सैनी, तो फिर 2029 के चुनाव में क्या होगा? जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि क्या वित्त मंत्री के रूप में जो मिथक चला रहा है नेताओं के साथ हरियाणा की पॉलिटिक्स में वित्त मंत्री और चुनाव को लेकर, क्या नायब सिंह सैनी उस मिथक को चुनाव में तोड़ पाएंगे आने वाले समय में 2029 के चुनाव में? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।